नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर की पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यापारियों को करीब 1.5 करोड़ का चूना लगाकर फरार हुए आरोपी नटवरलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पनागर के करीब 15 से अधिक व्यापारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मुकुल जैन, जो पनागर में प्लास्टिक का व्यापार करता है, उसने अपने व्यापार और घर बनाने के लिए अलग अलग व्यापारियों से रुपए लिए, जो करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं जब मुकुल जैन से व्यापारियों ने अपने रुपए वापस मांगा तो वह आनाकानी करने लगा। वहीं मुकुल जैन के द्वारा सभी को चेक दे दिए गए, लेकिन जब चेक लगाए गए तो वह बाउंस हो गए, जिसके बाद मुकुल जैन फरार हो गया। वहीं पुलिस के द्वारा रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी मुकुल जैन की पतासाजी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। वहीं आरोपी मुकुल जैन से पूछताछ की जा रही है कि और उसने कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। पनागर व्यापारी संघ के कुछ लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने शिकायत की कि मुकुल जैन निवासी पनागर द्वारा व्यापार के सिलसिले में हमें लाभ प्रदाय करने के लिए हमसे पैसे ले लिए और उसके बाद उसने पैसे वापस नहीं किए। पैसे मांगने पर उसने कई बार आनाकानी की और फिर चेक दिए, जो उसके खाते में बैलेंस नहीं होने से वो भी भुगतान उनको नहीं हो पाया। उस पर जांच पर हमने मुकुल जैन के विरुद्ध 420 चार्जशीट का अपराध पंजीबद्ध किया है और उसकी गिरफ्तारी कर प्रकरण में विवेचना की जा रही है। सर, लगभग ऐसे कितने लोगों के साथ इसके द्वारा ये प्रॉब्लम? अभी हमारे पास लगभग 15 लोग आए हैं और उसमें 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का इसका व्यापारिक लेन देन था। सर, इसके ऊपर भी और कुछ जांच की जा रही है, क्योंकि जानकारी जा रही है कि अन्य जगह भी जिले में कई लोगों के साथ ऐसा किया हुआ है। अब ये संज्ञान में हमारे आया है मामला, तो इसमें जो है हम जांच करेंगे, तो जांच पे आएगा उसके हिसाब से और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला था? मुकुल जैन निवासी पनागर। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।